मैं पंजाबी क्यों बोल रहा हूँ? मैं पंजाबी ऐसा करके बोल रहा हूँ कि अज पंजाबियों ने मुंडे की मंगनी है, तो सोचा अज का विलाग फिर पंजाबी दे क्यों शुरू किया जाए। तीन देग कौरमे दी, तीन देग कौरमा, एक देग हलवे दी, एक देग हलवा, कद्दू दा हलवा, कद्दू दा हलवा। हाँ। मशहूर कहावत है पंजाबियों के हाथ जिन लग गया उन्होंने कम करा करा के मारता। ए जी देसी वेडिंग हॉल, मतलब कि असं अपनी गली के प्रोग्राम सैट किया हो। स्कूल है, स्कूल के नाल गली है और गली माशाला बहुत कुशाद है, बहुत चौड़ी है। वो असी सैटअप लगा लिया है। टेबल है बच्चा पार्टी का, जिन्हें भी बच्चा पार्टी साढ़े खानदान की सारी एक टेबल पर बिठाती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल आमिर की वाइंस। आगाज है नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग का। तो अज का जो ब्लॉग है वह हैगा वा मंगनी ब्लॉग, मतलब कि पंजाबियों ने मुंडे की मंगनी ब्लॉग। मैं पंजाबी क्यों बोल रहा हूँ? मैं पंजाबी इस करके बोल रहा हूँ कि अज पंजाबियों ने मुंडे की मंगनी है, तो सोचा अज का ब्लॉग फिर पंजाबी दे विच क्यों शुरू किया जाए। तो मंगनी दे विच की हुंदा वा, की रस्मों रिवाज होंगे ने, सारा तुहानू अज दे ब्लॉग दिखावांगे। तो चलो चलते हैं मंगनी वाले घर। स्टेज का समान सजाया जा रहा है, स्टेज ही कहते हैं, कहते हैं स्टेज, स्टेज का समान सजाया जा रहा है। तो साडे कारीगर ने असदुल्ला भाई खास तौर पर बीरा रोड से इंपोर्ट किए गए हैं। मेरा आपको तो सू बंदा नहीं मिलेगा, अस बीरा रोड तो बंदा इंपोर्ट किया है। यदा स्पेशली काम है बीरा रोड से इंपोर्ट किया गया कि तू जरा दूरे का मतलब मुंडे का स्टेज है ना वो तैयार करना, तो वो वास्ते असी बुलाया वा। आ फुल शुल बूटे छूटे का फ्रेम पिया, दूसरा आ पिया, उधर फुल शुल पे ने, और भी कुछ हैगा वा मसाले पीसन की। मसाले पी रहा वा, मसाले पी पी के देग च पा रहा वा, फिर इतों चुके देग नूं बाहर लै लांगे जिथे देगा पक गई ने। नहीं की चीज पका रहे अज? पका रहे तीन देग कौरमा, एक देग हलवे दी, एक देग हलवा, कद्दू दा हलवा, ठीक है, एक और एक देग बिरयानी दी, एक देग बिरयानी, तीन देग कौरमा और एक देग कद्दू दा हलवा और एक देग बिरयानी, बाकी दी देगा ओ सामने पक रही ने सारिया। ए कद्दू दे हलवे दी देग, फिलहाल दे कद्दू दा हलवा इस तरह का लग रहा है, पकन तो बाद इहदी शक्ल चेंज हो जाएगी। पंजाबियों के घर काम नहीं खुटते होंगे, जिन्हें मर्जी कर लो, और उत्ते मंगनी ते शादी ब्याह ते कभी भी नहीं खुटते। मशहूर कहावत है पंजाबियों के हाथ जिन लग गया उन्होंने काम करा करा के मारता। तारीख है पंजाबियों के हाथ कभी जिन नहीं लग्या, एक बार लग्या से उन्होंने काम करा करा के मार। हुण मैं आया वा नहाण धोण वास्ते, नहा धो के फिर वापस फंक्शन दे विच शामिल हो जाने। मैं पंजाबी ते आवा पंजाबी नी कणक, और इन असीं धुप लवा रहे। धुप लवाण तो बाद असीं इस भड़ोले दे विच नूं पाणा। इनूं पंजाबी च भड़ोला कहंदे और उर्दू च नूं ट्रंक कहंदे ने। इह कणक सुका के फिर असीं पाणी इस भड़ोले दे विच। फिलहाल इनूं दो दिन धुप लगेगी, धुप लवावांगे, इहदे जिहड़े कीड़े होणगे बैक्टीरिया होणगे मर जाणगे, फिर इन पावे भड़ोले। कणक भड़ोले पाने तो पहले मैं नहा ला, क्योंकि यह जो काम है दो तीन दिन बाद दा। नहा तो के रेडी हो चुके हूँ, चलते हैं चाचे के घर। मतलब कि जी मंगनी है वो मेरे चाचा का बेटा है, मेरा कजन भी है, तो उन्होंने घर चलते हैं, देखते हैं कि प्रोग्राम हो गया और की बाकी रह गया, चल के दिखाने। ए जी देसी वेडिंग हॉल, मतलब कि असं अपनी गली के प्रोग्राम सैट किया हो। स्कूल है, स्कूल के नाल गली है और गली माशाला बहुत कुशाद है, बहुत चौड़ी है। वो असी सैटअप लगा लिया। मुक्तसर का सैटअप है, फैमिली सैटअप है, इनू असी फैमिली फंक्शन कह सकते हैं। एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल, चार या पांच, पांच टेबल लगे हुए हैं बस, क्योंकि फैमिली फंक्शन है। मुक्तसर प्रोग्राम रखा, मतलब कि फैमिली के लोग बस हूँ इंतजार हो रहा है मेहमाना का। मेहमान जिस तरह ही आते हैं तो फिर उन्होंने खातिर तवाजा करेंगे, फिर रस्म अदा करेंगे। आम तौर पर होंगे पहले रस्म अदा होंगी है, फिर मेहमानों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन ये मंगनी फंक्शन है तो ये पहले अस जिस तरह ही मेहमान आएंगे उन्होंने खाना खिला देंगे, क्योंकि गर्मी भी है, जिन्ना हो सके वाइंड अप करने की कोशिश करा। ए टेबल है बच्चा पार्टी का, जिन्हें भी बच्चा पार्टी साढ़े खानदान की सारी एक टेबल पर बिठाती है। रोटी हो गए या रोटी, दोनों के हिसाब नहीं बेसबरा वा। अगला नंबर यदा वा, तो चंद दिन का मेहमान आ, प्यारा हो जाएगा माई नू अपनी नू। हाँ बोला इधर देख, बोला इधर देख। सब जवाना ने रोटी खा ली है, तो रह गई है हूँ काम करवाण वाले। काम करवाने वाले तो मुराद मतलब अस्सी बॉयज जेडे काम करते हैं, जो दूसरे को खाना खिलाते हैं। हूँ वारी है साड़ी एक नवा नोड़ा। हाँ एक मेनू दे दे। सबर कर, कैमरा में फोकस करो।
ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗਣੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਲਾਗ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਲੌਗ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਰਦੂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।